मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ें। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। कल हम लोग ध्यान दे रहे थे कि किस प्रकार प्रभु ने सबसे पहला उससे सवाल पूछा कि क्या तू इन सबसे अधिक मुझसे प्यार करता है, और पतरस ने जवाब में कहा था कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, और प्रभु ने जवाब दिया था, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु के इस जवाब के द्वारा क्या बात हमें समझ में आती है? प्रभु चाहता है कि अगर हम प्यार करते हैं तो सचमुच में अपने कामों के द्वारा हमें दिखाना है। हम परमेश्वर के प्यार को सृष्टि में और मानव जाति के साथ के व्यवहार में हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि प्रभु हमारी कितनी चिंता करता है। और एक प्रभु का संतान जितना परमेश्वर के प्यार को गहराई में जांचता है, गहराई में उतरता है, क्रूस के उस प्रेम के गंभीरता को समझता है, उसे हमें क्या समझ में आता है कि स्वर्ग हमें कितना अधिक प्यार करता है। हमारा प्रभु यीशु इस पाप भरे संसार में उस सनातन प्रेम से हमें प्रेम करते हुए छुड़ाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया, और अब प्रभु चाहता है कि पतरस भी अपने कामों के द्वारा प्रभु के प्रति अपने प्यार को दिखाए। प्रभु का वचन प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन मेमनों का जमुआरी लेना, उन्हें चराना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कितना हलीम बनना पड़ेगा, नरम होना होगा, सहने की वो खूबी चाहिए, और ये करते वक्त उसे अपनी कमी कमजोरी खुद हमेशा याद आएगी जब वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है, और ये बात उसे प्रभु को और अधिक प्रेम करने में मदद करेगा। ध्यान रखें, प्रतिदिन एक विश्वासी के जीवन में हमारे कामों के द्वारा हमें मौका मिलता है दुनिया के सामने ये दिखाने का कि हम प्रभु को कितना अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने पतरस से बार बार ये जब सवाल पूछा तो ये सवाल पतरस के हृदय के अंदर जाकर चुभा है। जितना वो अपने प्रेम को जाहिर कर रहा है उतना उसे जमुआरी अधिक दिया जा रहा है कि वो अपने प्रेम को प्रकट करे। सबसे पहले मेमनों को देखभाल करने को कहा, उसके बाद भेड़ों का देखभाल करना है। ध्यान रखें, हमारे जीवन में प्रभु छोटी बातों से आरंभ करता है, और जैसे जैसे हम विश्वास योग्य वैसे हमें और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु मौका देता है। अगर हमें प्रभु को प्यार करना है तो हमें पाप को नफरत करना है और प्रभु के वचन को एक एक कर मानना है। हमारे मसीह जीवन के आरंभ में हम तो बड़े उत्साह के साथ भावुक होकर प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु के भौतिक आशीषों के कारण हम प्यार नहीं करते, लेकिन उसे और करीबी से जानने के कारण हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, और हम प्रभु के प्रेम से बंधे होने के कारण प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। तब हम अपना वो प्रभु के लिए प्यार अपने त्याग के द्वारा, अपनी स्व इच्छा को त्यागते हुए, कितना भी कष्ट या समस्या या परीक्षाएं आए, दिलेरी से खड़े रहने के लिए प्रभु मदद करता है। फिर हम अपने विश्वास को बिना डर के दूसरों के सामने जाहिर करते हैं,
और आनंद के साथ कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम मसीह जीवन के उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे और स्वर्गीय शांति को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। जब प्रभु यीशु ने पत्रस से तीसरी बार यह सवाल पूछा कि क्या तू मुझे प्यार करता है, पत्रस उदास हुआ, लिखा है। हो सकता है तीसरी बार पूछते वक्त पत्रस को याद आया, अपनी कमजोरी याद आया कि उसने तीन बार प्रभु का इनकार किया है, अब तीन बार उस प्रेम को जाहिर करने का मौका मिल रहा है। हमारा विश्वास है हर बार जब वो सवाल का जवाब देता था उसके हृदय में वो दर्द उत्पन्न होता है, दूसरों के सामने घमंड करने के जगह में वो टूटता जा रहा है। शायद हो सके प्रभु को जब उसने इनकार किया, प्रभु ने जो दर्द अपने अंदर महसूस किया, शायद पत्रस भी उसका थोड़ा सा हिस्सा अब अनुभव करता है, और इसलिए वो कहता है, प्रभु तू तो सब जानता है, तू सब कुछ जानता है। और प्रभु उसके हृदय को समझता है कि कई बार वो जोश में आकर, हाँ प्रभु कई बार मैंने जोश में आकर बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुझे प्यार करता हूं और मैं अंत तक प्यार करूंगा, पत्रस प्रकट कर रहा। और हम देखते हैं उस क्षण के बाद, उसके आखिरी क्षण तक उसने कभी भी प्रभु का इनकार नहीं किया, वरन पौलुस के साथ कलीसिया का एक स्तंभ बन गया अपने आत्मिक यात्रा में। आइए अब हम अपने जीवनों को जरा देखें, क्या हमारे अंदर क्या वो आश्वासन है हमें कि प्रभु हमें प्यार करता है और प्रभु जो भी करेगा हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा। क्या हमारा प्रभु के लिए प्यार प्रतिदिन बढ़ता है, और क्या हम अपने कामों के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी स्वेच्छा को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? हमारे मसीह जीवन में यह सवाल हमें बार बार अपने से पूछना है कि क्या मैं सचमुच प्रभु को प्यार करता हूं, और ये बात हमारे जीवन को जांचने में मदद करेगा, और परीक्षाओं में और चाहे कैसा भी तूफान आए दृढ़ खड़े रहने में मदद करेगा। नहीं तो कहीं हमारा भी अंत यहूदा की तरह ना हो जाए। अगर हम प्रभु को सच में प्यार करते हैं तो हम प्रभु से बात करेंगे प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचनों को मनन करेंगे सच्चे मन से, ताकि हम प्रभु को और जानें, और जो भी प्रभु कहे उसको करने के लिए हम तैयार होंगे। हम चाहेंगे कि प्रभु का नाम महिमा हो, और उतने उत्साहित होंगे कि प्रभु को आमने सामने मिले। आइए हमारी बातों से बढ़कर हमारे कामों के द्वारा दुनिया को हम दिखाएं कि हमारे लिए मसीह सब कुछ है। प्रभु के प्यार को जीतने के लिए कुछ ना करें, लेकिन हम अपना सब कुछ उसको प्यार करने के कारण प्रकट करें, क्योंकि वो 10,000 से भी खूबसूरत है हमारे लिए। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं इन दिनों में, जब आपका आगमन नजदीक है। प्रभु अपने कामों के द्वारा दुनिया के सामने हम आपको कितना प्रेम करते हैं प्रकट करने के लिए हम एक एक को सहायता कर। तो हमारे लिए सब कुछ है प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजो, जीवन में चाहे कितना भी संकट क्लेश कुछ भी आ जाए, ये सब हमारे लिए मौका है कि हम प्रकट करें कि हमारे लिए प्रभु कितना प्यारा है। प्रभु उसके लिए हम एक एक को सहायता करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।